हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो रीओपन करी है वैकेंसी, उसके बारे में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये जो इन्होंने डेट एक्सटेंड करी है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पहले वैकेंसी जो निकाली थी सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल की, मैं अभी आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाली है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जो कांस्टेबल की इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, मेल एंड फीमेल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल की जो वैकेंसी निकाली थी, जिसकी लास्ट डेट जो पहले थी वो ख़त्म हो चुकी थी, इन्होंने ये इस वैकेंसी के लिए दोबारा फिर से रीओपन करी हैं एप्लीकेशंस। आप जो हैं, इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो डेट इन्होंने ओपन करी है कि 16 अक्टूबर को ओपन करी है, और आप अप्लाई कर सकते हैं 22 अक्टूबर से पहले पहले। और फीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 अक्टूबर। बाकी नोटिफिकेशन मैं आपको दूसरी भी दिखा देता हूँ, जो पहले नोटिफिकेशन आई थी कि कितनी वैकेंसीज थी और क्या क्राइटेरिया था। अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। बाकी दूसरी नोटिफिकेशन जो पुरानी वाली थी वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये है वो पुरानी वाली नोटिफिकेशन जो वैकेंसी निकली थी पहले। लास्ट डेट जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले थी 28/5 थी लास्ट डेट, जो अब इन्होंने इंक्रीज कर दी है 22 अक्टूबर कर दी है। इसमें जो वैकेंसी निकली थी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 पोस्ट जो थी वो मेल कॉन्स्टेबल की थी, और उसके बाद में फीमेल कॉन्स्टेबल की जो थी वो थी 1147। ये पोस्ट जो थी ये थी फीमेल्स के लिए, 500 जो पोस्ट थी वो रिजर्व के लिए थी। और उसके बाद में क्या क्राइटेरिया है कि अगर आप +2 होनी चाहिए, आपकी हिंदी होनी चाहिए आपकी 10th में, हाइट मेल्स के लिए आप देख सकते हैं 170 सेंटीमीटर दे रखी है, वो चेस्ट कितनी दे रखी है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी है, फीमेल्स के लिए हाइट 158 है और रिजर्व कैटेगरी में जो है वो 156 है। एज क्राइटेरिया जो है वो है कॉन्स्टेबल के लिए 18 से 25 का, और सेल्थ पे स्केल भी इन्होंने नीचे यहाँ पे दे रखा है, और जो रिलैक्सेशन है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल है। आगे जो है वो है सब इंस्पेक्टर 400 पोस्ट फॉर मेल एंड 63 पोस्ट फॉर सब इंस्पेक्टर फीमेल। इसमें जो है आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, आपकी हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए 10th में। मेल के लिए आप हाइट देख सकते हैं 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे, और रिजर्व कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए 158, और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी है। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो है 21 से 27, और जो रिजर्वेशन है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल ही रहेगी। फीस देख सकते हैं आपके मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो यहाँ पे 100 रुपीज़ है, और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पे। जनरल के लिए आप यहाँ पे फीस देख सकते हैं 100 एंड 150 है। फीमेल्स के लिए जो फीस है वो आप देख सकते हैं, और SC एंड SC कैटेगरी के, SC एंड BC कैटेगरी के लिए आप ये फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इनका फीस किस हिसाब से है। और बाकी आगे बात करते हैं कि मतलब किस तरह से फिजिकल जो इन्होंने बोला है कि मतलब फिजिकल में क्या प्रोसेस रहेगा, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, वो तो आपको सबको पता ही होगा, और उसके बाद में जो आपका फिजिकल है वो मेल के लिए आप देख सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर आपको कवर करने हैं 12 मिनट्स में, फीमेल ने जो कवर करने हैं 1 किलोमीटर इन 6 मिनट, एक्स सर्विसमैन ने भी 1 किलोमीटर कवर करने हैं जो कि हैं 5 मिनट्स में। तो फ्रेंड्स, आप इसकी नोटिफिकेशन दोबारा रीओपन हो चुकी है, तो आप जो है जल्दी से अप्लाई कर दें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो इंटरेस्टेड हैं पुलिस में जाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।